ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कहीं और की नहीं बल्कि जबलपुर के जिला अस्पताल की है। जिला अस्पताल विक्टोरिया के गहन चिकित्सा विभाग में एयर कंडीशन 2 हफ्तों से खराब पड़े हुए हैं। इस भीषण गर्मी में एसी बंद होने के चलते मरीजों का हाल बेहाल हुआ जा रहा है। एक तो वैसे ही पहले से गंभीर बीमारी से लड़ रहे हैं और अब इस बदहाली से लड़ना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि अस्पताल प्रबंधन को इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन प्रबंधन का कहना है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के चलते नए एसी खरीदे नहीं जा सकते हैं। वहीं इधर मरीज ने गर्मी में किसी भी तरह से अपना उपचार कराने की नियत से अपने अपने घरों से टेबल फैन मंगवा लिया है। वहीं जो मरीज आर्थिक रूप से असक्षम है उनके परिजन बांस के पंखे से काम चला रहे हैं। इस बदहाली के विषय में द लोक मंगल न्यूज के संवाददाता ने जब अस्पताल प्रबंधन से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये बात सही है कि आईसीयू में एसी काम नहीं कर रहे हैं और इसके लिए क्या है कि जो आईसीयू में एसी लगे थे ये एनएचएम के द्वारा लगाए गए थे और ये खराब हो गए हैं और हमने इसके लिए 2 लोगों को ऑलरेडी कह दिया है, काम चालू है इसके ऊपर एसी ठीक करने का। इसके अलावा हमने दूसरी जगहों से 2-2 एसी निकाल के वहाँ फिट करने के लिए दिए हैं, तो आज शाम तक या कल सुबह तक यहाँ पर एसी फिट हो जाएंगे और एसी फिट होने के बाद जो है मरीजों को राहत मिलेगी। निश्चित तौर पर ये बात अच्छी नहीं है, पर आप भी जानते हैं मशीन है तो ख़राब होती है, कोई ऐसा तो कोई गारंटी नहीं है कि मशीन कभी ख़राब नहीं होती। और सबसे बड़ी हमारे यहाँ तकलीफ़ यह है कि आईसीयू में हम एसी बंद नहीं कर पाते, हमारे आईसीयू में 24-24 घंटे लगातार एसी चलते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ जो है एसी ख़राब होने की संभावना जो है दूसरी जगहों से ज़्यादा होती है। नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा यहाँ पे स्थापित किए गए थे और वो कई साल से कार्यरत हैं, 3-4 साल हो गए उनको, तो अब हम नए एसी यहाँ लगवाने वाले हैं, लेकिन जब तक ये चुनाव है तब तक हम नए एसी नहीं खरीद सकते, इसलिए पुराने एसी को ही बना बना के वहाँ लगवा रहे हैं। जैसे ही चुनाव ख़त्म होंगे हम दोनों आईसीयू में 4-4 नए एसी खरीद के लगाएंगे। टीम लोकमंगल।